बनर्जी को दिखाएंगे कि खेला क्या होता है। ठीक है, इस बार 200 पार, इस बार जय श्री राम। दो मैयाई ममता दीदी गई। नमस्कार, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ टॉलीगंज के उस क्षेत्र में जहाँ पर आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली है। पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनका पूरा रोड शो है। यहाँ पर बहुत लंबा एक हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। साथ ही साथ किस तरीके से ये जो हुजूम है ये वोटों में तब्दील हो पाता है ये देखना अहम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर वो सपोर्ट में आए हुए हैं बाबुल सुप्रियो को, जो कि आसनसोल से सांसद थे, लेकिन यहाँ पर छोड़ के विधायकी लड़ने आए हैं। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या कुछ होता है। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो लोगों का अधिकार है वोट देना, उसको किस तरीके से ये लोग अपने पक्ष में तब्दील करते हैं ये देखना अहम हो जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि ये जो रोड शो जब से शुरू हुआ यहाँ तक पहुँचा, एक भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। इसके साथ ही यहाँ पर अभी जेपी नड्डा जो लोगों को यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बाबुल सुप्रियो जो सब कुछ छोड़ छाड़ के केंद्र से यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से विधायकी लड़ने आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि बाबुल सुप्रियो जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार इस रोड शो में जो है जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इसके साथ ही लोग जो है यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारी हुजूम जो है वो लोगों का उमड़ा हुआ है। और साथ ही साथ लोग लगातार, ये 6 किलोमीटर लंबा रोड शो था जो शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचता है। इसके साथ ही इनके जो रथ था जिस पर ये सवार होकर रोड शो कर रहे थे, उसमें उनके साथ बाबुल सुप्रियो समेत पायल जो कि एक्ट्रेस हैं, जो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनके साथ और भी बाकी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ ही साथ ये रोड शो वहाँ से शुरू होता है, पीछे से 6 किलोमीटर का रास्ता तय करके यहाँ पर आता है। ये एक टी पॉइंट जैसी जगह है जहाँ पर जेपी नड्डा जो है रुकते हैं, ठहरते हैं और चारों तरफ जो भीड़ है जो इकट्ठा हो जाती है उसको संबोधित करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि छतों की तरफ आप देखिए, यहाँ छतों में भी खिड़कियों से झांकते हुए लोग नजर आ रहे होंगे जो कि अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पर पहले से डटकर खड़े हुए थे। यहाँ पर खिड़कियों पर, छतों पर, हर जगह लोग नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ये पीछे जो है कई तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। गुब्बारे लगाकर एक बीजेपी का जो रंग है उसको भी एक जगह देने की जरूरत की गई है। इसके साथ ही छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं इस समय मौजूद हैं। इनसे आप बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। जी, आप में से कोई बात करना चाहेगा ये बताइए, जेपी नड्डा जी की रैली थी, किस दिशा में जा रहा है चुनाव और ये जो भीड़ है क्या ये वोटर में तब्दील हो पाएगी? हिंदी आती है आपको? हिंदी आती है? ये जो भीड़ दिख रही है ये वोटर में तब्दील हो पाएगी? हाँ, पाएगी, वोट पाएगी, जय होगी। ये बताइए, देखिए यहाँ पर जय श्री राम के लगातार नारे लग रहे थे, तो बीजेपी का नारा क्या है इस चुनाव को लेकर? जैसे कि पिछली बार 2019 में कहा गया था कि चुपचाप कमल छाप, इस बार क्या नारा दिया जा रहा है? परिवर्तन का नारा दिया जा रहा है, लेकिन परिवर्तन के नारे से ज्यादा जो है यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम आएगी, आएगा जय श्री राम। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि खेला होने जा रहा है, खेला होगा? यही तो ओरिजिनल खेला है ना जी। बिल्कुल, क्या होगा? ममता बनर्जी को दिखाएंगे कि खेला क्या होता है। ठीक है, इस बार 200 पार, इस बार जय श्री राम। वो तो कह रही है, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि 200 पार होने जा रहा है? कॉन्फिडेंस यहाँ से और यहाँ से है, इसीलिए सब है। ठीक है, इसीलिए सब कुछ है। ठीक है मैम, नेताजी लग रही है। ये बताइए कि यहाँ पर जेपी नड्डा जी आए, यहाँ पर समर्थन, यहाँ पर रोड शो किया, रोड शो के बाद क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों के मन में और बीजेपी के प्रति जो वो प्रेम बढ़ेगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या बाबुल सुप्रियो जो यहाँ से जीतने जा रहे हैं? बहुत अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो फैन बहुत है। ठीक है, अरे जनता तो जनता, इंद्रदेव भी प्रसन्न है। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर बारिश जो हो रही थी उसको लेकर ये बता रहे हैं कि इंद्रदेव जो है वो भी प्रसन्न है। ये बताइए, अब जेपी नड्डा यहाँ से वापस जा रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी डटकर मुकाबले में खड़ी हैं, क्या लगता है 2 मई को? 2 मई आई ममता दीदी गई। कोशिश दोनों करता है, जो पहले गिरता है वो विजेता होता है, तो इसको यही करने दीजिए, उनको तो वो करेंगे ही। अच्छा ठीक है, देखिए पिछले दिनों में जिस तरीके से हमने देखी महिलाओं के प्रति हिंसा भी बढ़ी है, शोभा मजुमदार जिनको की टीएमसी के लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद एक रेप की घटना भी देखने को मिली थी, उसके खिलाफ भी गुस्सा है लोगों में? हाँ गुस्सा है, तो देखिए जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई महिलाओं के प्रति, जिस तरीके की शोभा मजुमदार जो एक 85 वर्षीय जो महिला थी उनकी पीट पीट कर जिस तरीके से बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो रोड शो था काफी लंबा रोड शो था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बारिश होने लगती है। मैं आपको बता दूं पीछे जो हमारे जेपी नड्डा जी जो है वो यहाँ से देखिए जा रहे हैं, पास से दिखाना चाहूंगा, जेपी नड्डा यहाँ से जा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से निकलते हुए जेपी नड्डा, और साथ ही साथ लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं और उनको टाटा बाय बाय भी जो यहाँ के लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर और भी लोग महिला मेरे साथ मौजूद हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं जी, बताइए। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पे महिला कार्यकर्ताओं पे हमला होता है, नहीं तो यहाँ पे कोई, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना है। ये पहला स्टेट है जहाँ पे महिला पे ऊपर हमले होते हैं
और हर भाजपा कार्यकर्ता महिला के ऊपर 4 से 5 केस लाए गए हैं, उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर। ये बहुत बड़ा, ये भी एक अहम बात है कि ये पहला स्टेट है जहाँ पर एक महिला ही मुख्यमंत्री है। ये अच्छी बात है, वही तो बोली हूँ। आप महिला मुख्यमंत्री होकर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करती हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है ये। तो यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं से बात करने की कोशिश की और ये देखने को मिला कि महिलाओं के अंदर भी काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा है। महिलाएं बता रही हैं कि जिस तरीके से बीते दिनों जो महिलाओं के प्रति जो जिस तरीके की घटनाएं हुई उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुस्सा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि जो रथ था जिससे यहाँ तक आए थे जेपी नड्डा, पास ले चलता हूँ, वो रथ यहाँ पर फिलहाल रुक गया है। इसके बाद यहाँ से वो गाड़ी से रवाना हो चुके हैं। इस रथ था, इसके ऊपर थे, जैसा कि आपने पहले तस्वीरों में देखा कि इस रथ से वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद फूल जो थे उनकी भी बारिश की जा रही थी। ये पूरा रथ था जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे। इसके साथ ही इधर पे बाबुल सुप्रिया भी उनके साथ मौजूद थे और भी तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे, जो ये 6 किलोमीटर जो लंबा रोड था उसमें मौजूद थे। इसके पीछे मैं दिखा दूँ कि गाड़ियों का जो बड़ा सा काफिला आपको दिख रहा होगा, ये यहीं पर आए हुए लोग थे, जिनके साथ आए हुए थे, वही भीड़ है जो यहाँ पर लगातार मौजूद है। यहाँ पर प्रशासन की भी सख्ती देखने को मिली, बहुत मौजूदगी देखने को मिली। यहाँ पर कई तरीके की जो टुकड़ियाँ थी, फोर्स थी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही तमाम जो लोकल के भी नेता थे वो भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटी दिखाई दी। इसके साथ ही सीआईएसएफ की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद दिखी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो सीआईएसएफ की यहाँ पर पहले से लाई गई थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरीके की कोई घटना देखने को ना मिले। और यहाँ पर भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए भी तमाम तैयारियाँ जो है वो पहले से की गई थी। और इसके साथ ही ये जो पूरा काफिला है, पूरी लंबाई देखिए, भीड़ देखिए, जेपी नड्डा जी तो निकल चुके हैं लेकिन अभी भी भीड़ को जो है यहीं पर रोका गया है। थोड़ी देर बाद इसको भी रवाना किया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि जो पूरा रोड शो था वो अब खत्म हो चुका है और जेपी नड्डा भी यहाँ से निकल चुके हैं। बाबुल सुप्रियो के पक्ष में यहाँ पर आपको बता दें कि वोट मांगने आए थे, उनके समर्थन में आए थे और बता रहे थे कि सांसद ही छोड़ के यहाँ पर आपके लोगों के लिए काम करने आया है। तो ऐसे में देखना अहम हो जाएगा कि 2 मई को आखिर ये जो रोड शो था इसके अंदर जो भीड़ देखने को मिली क्या ये वोटरों में तब्दील हो पाएगी। तब तक देखते रहिएगा आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।